हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल और सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है एक और नए सुपर कूल ऑसम क्लैश ऑफ क्लैंस के वीडियो में बोल सकते हैं। गाइस, बेसिकली कुछ चीज़ें हैं, बहुत सारे टॉपिक्स है जिसपे थोड़ा बातचीत करेंगे आज के वीडियो में, ठीक है। तो कहाँ से शुरू करें गाइस, आपको पता ही है, एक न्यूज़ तो आग की तरह पूरे इंटरनेट में, सोशल मीडिया में फैल चुकी है पबजी बैन को लेकर। और यस, कल न्यूज़ जो है वो आ चुका है, बहुत ही शॉकिंग था यार मेरे लिए भी। मेरे को भी कुछ दिनों से लग रहा था ऐसा, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे थे कि हो सकता है, बहुत रिलायबल जगह से न्यूज़ आ रहे थे, बट फिर भी मेरे को शक था कि नहीं पबजी ना मुश्किल है। बट फाइनली ये चीज़ सुन के मैं बहुत ज़्यादा शॉक्ड हूँ, और मेरे को बहुत सारे मेल्स और बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भाई क्या क्लैश ऑफ क्लैंस भी बैन हो सकता है, क्योंकि टेंसेंट, आपको पता है टेंसेंट, थोड़ी देर बाद में बताऊंगा मैं पूरा जो भी सीन है। बट सच बताऊं तो मेरे को थोड़ा सा शॉकिंग लगा था, क्योंकि मेरे को ऐसा पर्टिकुलरली लग नहीं रहा था या फिर लगता नहीं था कि जो डेटा प्राइवेसी के मामले में पबजी भी रडार में आ जाएगी। बट इंडिया गवर्नमेंट का ये आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट का डिसीजन है। और चाइना को लेके अभी जितना भी टेंशन है, इससे तो एक चीज़ तय है कि टेंशन शायद और बढ़ सकते हैं, मे बी, आई डोंट नो। और क्लैश ऑफ क्लैंस के बारे में तो मेरे को अभी सच बताऊं, फ्रेंकली स्पीकिंग गाइज, मेरे को कोई भी अंदाज़ा नहीं है। मतलब कुछ भी हो सकता है, मतलब मे बी नो, कुछ भी हो सकता है, आई डोंट नो गाइज। और एक चीज़ और, मेरे को बहुत लोग पूछ रहे थे कि भाई क्या ये सही हुआ है, आप बताओ। बहुत लोग ऐसे भी बोल रहे थे कि तेरे लिए तो बहुत अच्छा हुआ कि पबजी बैन हो गया, तू लोग तो चाहता ही है क्लैश ऑफ क्लैंस, ये वो। भाई ऐसा कुछ नहीं है, मेरे चाहने से ना चाहने से कुछ नहीं होता है। और सच बताऊँ तो मेरा भी यहाँ पे ओपिनियन कोई नहीं है, मेरे को नहीं पता कि ये जो इंडियन गवर्नमेंट ने ये बोला है ये अच्छा है या बुरा है, जो भी है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। उन्होंने कुछ सोच के बोला होगा, और अगर कल के डेट में क्लैश ऑफ क्लैंस भी शायद इस अगर रडार में आ जाए तो भी हम कुछ नहीं कर सकते, या फिर हम उस डिसीजन को भी गलत या सही हम ठहरा नहीं सकते, हमें कोई हक नहीं है। बट एक चीज़ तो श्योर है गाइज, कि इस बार ये मामला जो है वो बहुत ही गंभीर है। टिकटॉक के साथ जो भी हुआ था उसके बाद अब टेंसेंट एंड बाकी चाइनीज़ ऐप्स के ऊपर जो ये बैन लगाई जा रही है, ये सच में थोड़ा ज़्यादा अब स्ट्रिक्ट होने वाला है। इतना आसानी से ये बैन लिफ्ट शायद ना हो, तो अब यही प्रे कर सकते हैं कि हमारा क्लैश ऑफ क्लैंस बच जाए। बट एक कुछ चीज़ें हैं ऐसी, मेरे को पता है आप लोगों को पता होगा कि टेंसेंट जो है वो सुपरसेल का एक बहुत बड़ा शेयर ओ करती है, और उसी के चलते बहुत लोग सोच रहे हैं कि शायद हो। बट एक चीज़ आपको अगर नहीं पता तो मैं बता दूं, शायद बहुत लोगों को पता है कि जो मदर कंपनी सुपरसेल है वो सारे सर्वर्स वो होल्ड करती है, मतलब डेटा प्राइवेसी में वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत मेरे को नहीं लगता होनी चाहिए, क्योंकि डेटा सिक्योरिटी जो भी है वो सब सुपरसेल के अंडर ही आती है, वो टेंसेंट के अंडर आती नहीं है गेम में, क्लैश ऑफ क्लैंस के गेम में मैं बात कर रहा हूँ, और बहुत सारे सर्वर्स यूसे वगैरह में भी है। तो मेरे को नहीं लगता कि होगा, हो भी सकता है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हो सकता, बट मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मेरे को। अब इस वक्त में हम कर क्या सकते हैं, देखो सबसे पहली बात, मेरे को एज ए क्रिएटर, मैं यूट्यूब वीडियोज़ बनाता हूँ, और जितने भी लोग पबजी के कंटेंट बनाते हैं उनके लिए ये बहुत ही टफ मोमेंट होने वाला है, क्योंकि आप अपनी अर्निंग्स कर रहे हो, बहुत लोग अपना घर चला रहे हैं, या फिर एक फुल टाइम जॉब कर लिया उन्होंने कंटेंट बनाना, तो उनके लिए थोड़ा टफ मोमेंट हो सकता है ये। बट मेरे को लगता है कि ज़रूर बहुत जल्द कोई ना कोई सोल्यूशन मे बी आ जाए, तो अच्छा उनके लिए अच्छा हो, क्योंकि वो हमारे इंडियन भाई लोग हैं जो वीडियोज़ बनाते हैं, तो मेरे को पता है उनके लिए थोड़ा टफ टाइम है। बट अभी बहुत सारे गेम्स हैं अवेलेबल, आप खेल सकते हो, और सुपरसेल के गेम्स भी खेल सकते हो, और कोई भी क्रिएटर ये वीडियो देख रहा है जो पबजी वीडियो बनाता है, सुपरसेल के कुछ अच्छे गेम्स हैं जो आप बना सकते हो, तो मैं सजेस्ट करूँगा आप ज़रूर बनाओ। सो थोड़ा डिस्कस किया हमने इसके बारे में, एंड मैं और ज़्यादा डीप नहीं जाना चाहता, क्योंकि मेरे को पता है अगर मैं और ज़्यादा डीप जाऊँगा तो फिर लोग मेरे को बताना शुरू कर देंगे कि भाई तू ये बोल रहा है, ये गलत है, वो गलत है। तो जितना मेरे को डिस्कस करना था मैंने उतना ही किया, क्योंकि मेरे को बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे मेरे व्यूअर्स के कि उनको मेरा ओपिनियन जानना था, तो मेरा ओपिनियन ऐसा कुछ, मैं कुछ खास पार्टी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये कोई, मतलब मेरे को पता नहीं कि आप लोगों के दिमाग में ये आइडिया आता क्या कहाँ से है कि ऐसा भी हो सकता है, चलो कोई नहीं। सो गाइज, बेसिकली अभी CWL का सीज़न चल रहा है, आपको पता ही है CWL का सीज़न चल रहा है, और इस बार काफ़ी ज़्यादा टफ है हमारा वॉर, क्योंकि ओपोनेंट में सारे टाउन हॉल 13 आ चुके हैं, और हमारे पास कुछ टाउन हॉल 12 और कुछ टाउन हॉल 11 है, तो थोड़ा टफ है, बट हमने भी अपने दिमाग लगाए हैं। और गाइज, बेसिकली मैंने नंबर 2 को 3-स्टार भी कर दिया, तो वो अटैक भी थोड़ा शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। तो ये था बेस, और पता है बहुत बड़ा पोपट हुआ था मेरा, बट फिर भी पता नहीं कैसे मैनेज कर लिया मैंने इस बेस को 3-स्टार करने में। आप देख सकते हो गाइज, यहाँ से मैंने क्वीन वॉक्स स्टार्ट करी थी, जैप के साथ आया था मैं, जैप क्विक हॉग और हाइब्रिड, मतलब
पता नहीं यार, मेरे दिमाग में पता है सच में अभी भी वही चल रहा है, मतलब काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ था ये। ओके सो यहाँ पे हमने स्कैटर शॉट और इन्फर्नो दोनों को मिस कर दिया, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ थी। अब आप सोच रख रहे हो कि मैंने इतने सारे स्पेल्स खर्च किए और स्कैटर शॉट और इन्फर्नो टार, जो दो सबसे इंपॉर्टेंट डिफेंस थे जो कि मैं जैप क्विक से लेना चाहता था, वो दोनों मैंने मिस कर दिए। बट सच बताऊं गाइज, फिर भी हमने अटैक 3-स्टार किया एक हील स्पेल के साथ, और वो एक हील स्पेल भी मैंने स्वैग किया। मेरे को पता है आप लोग यकीन नहीं कर रहे हो, तो अटैक देखो। तो क्वीन एक्सबो के ऊपर काम कर रही थी, उसके बाद मैंने एक और सुपर वॉल ब्रेकर सेंड किया। पहला सुपर वॉल ब्रेकर ने वॉल तो ओपन कर दिया था, बट जहां मैं चाहता था वहां नहीं किया था। सीसी से यहां पे विच ड्रैगन आर्चर्स वगैरह बहुत कुछ निकले थे, और मेरा दूसरा सुपर वॉल ब्रेकर, काश सुपर वॉल ब्रेकर परमानेंट रूप हो जाए यार, अगर ऐसा हो जाए तो क्या मजा आ जाएगा। आप लोग मेरे कमेंट्स में बताना कि क्या आप लोग चाहते हो कि सुपर वॉल ब्रेकर परमानेंट रूप हो जाए। मेरे को पता है ये पॉसिबल नहीं है, बट फिर भी एज ए फैन बॉय हम लोग तो कुछ भी सोच सकते हैं, कुछ भी, मतलब जो मर्जी हमारा सोच सकते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने अपना सीज बैरक ड्रॉप किया ताकि यहाँ के बिल्डिंग्स को क्लियर कर लें। अब इस बेस में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर आप कहीं से भी हाइब्रिड करते हो तो जो ट्रैश बिल्डिंग्स हैं वो काफ़ी कम है। सारे ट्रैश बिल्डिंग्स यहाँ पे चार के चार स्टोरेजेस हैं, जो हाई हिट पॉइंट स्टोरेजेस होते हैं वो एक तरफ है। मतलब अगर आप अपोजिट साइड से अटैक करते हो तो आपको स्टोरेजेस की कोई चिंता नहीं, वो बाद में क्लियर होगा, मतलब डिफेंस के तरफ आपके सारे ट्रूप्स भागे चले जाएंगे। वही हुआ यहाँ पे, दो मल्टी इन्फर्नो, सॉरी एक दूसरा मल्टी इन्फर्नो तो बहुत ही लो एचपी पे है, तो ऑलमोस्ट हमने यहाँ पे निकाल दिया था। उसके बाद मैंने अपना हाइब्रिड शुरू किया, और आप देख सकते हो यहाँ पे कोई स्प्लैश डैमेज नहीं है। एक विजर टार है यहाँ पे, आप देख सकते हो, जो कि पिक्का के ऊपर डिस्ट्रैक्ट हो रखा है। एक विजर टार यहाँ पे है, बम टार्स एकदम बॉटम में है। एक स्कॉटर शॉट हमने ऑलरेडी निकाल लिया, दूसरा सेट शॉट भी बहुत ही क्लोज है, क्वीन शायद रेंज में ले लेगी। एंड अभी तक हमने कोई हील स्पेल यूज़ नहीं किया, और सच बताऊं तो आपको लग भी नहीं रहा होगा कि हील स्पेल की मेरे को ज़रूरत भी थी। वार्डन एबिलिटी है, एक ही हील स्पेल था मेरे पास, वो अभी भी बचा हुआ है। अभी भी मेरे पास दो फ्रीज स्पेल्स बचे हुए हैं। यहाँ पे मैंने स्कैटर को फ्रीज किया क्योंकि मेरी क्वीन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डैमेज ले रही थी, और आप देख सकते हो गाइज यहाँ पे हमने स्कैटर का भी ध्यान रखा। मेरी रॉयल चैंपियन ने काफ़ी अच्छा काम किया, यहाँ पे मैंने वार्डन एबिलिटी पॉपअप करी। मेरे को लग रहा था कि क्वीन भी क्वीन थी रेंज में, मेरे को ऐसा लग रहा था कि क्वीन रेंज में नहीं थी, बट फिर भी आप देख सकते हो गाइज कि अभी तक मैंने अपना हील स्पेल यूज़ नहीं किया, और ऑलमोस्ट सारे डिफेंस जो है वो क्लियर हो चुके हैं। अभी भी मेरे पास क्वीन एबिलिटी पड़ी है, कुछ क्लीन अप ट्रूप्स मेरे पास बचे हुए हैं, बैक साइड लून्स और बेबी ड्रैगन मैंने ड्रॉप करे, और मेरे को एक हील स्पेल में लेके आया था। पता है मेरे क्लैनमेट्स क्या बोल रहे थे, भाई हम लोग डर गए थे एक ही हील स्पेल देख के, बट उसके बाद ये हुआ कि वो एक हील स्पेल भी मैंने यहाँ पे यूज़ नहीं किया। तो गाइज काफ़ी ईजिली हमने इस बेस को निकाला, और सच बताऊँ गाइज ये बेस काफ़ी ज़्यादा मैंने देखा है, और इस बेस को अटैक करने का सबसे अच्छा एक ही नुस्खा है कि आप अपोजिट साइड से आओ, स्टोरेज साइड से अटैक ही मत करो। बहुत लोग सोचते हैं कि भाई वहाँ पे हीरोज अवेलेबल है तो उसी साइड से अटैक करते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो उस साइड से बिल्कुल अटैक मत करना। एक और अटैक मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो हमने किया था मेरे क्लैनमेट ने, जो सुपर विचेस से किया था। यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा अटैक था। ये रहा बेस, और ये बेस भी काफ़ी कॉमन है, इंटरनेट बेस बहुत ज़्यादा कॉमन बेस है। आप देख सकते हो 5 सुपर विचेस के साथ यहाँ पे आया गया है, वो 2 जंप, 3 रेज और 2 फ्रीज। फनल सेट किया जा रहा है यहाँ पे सीज बैरक के साथ और किंग के साथ, और यहाँ पे विजर्ड को ड्रॉप किया गया है ताकि एक बिल्डिंग फ्री बिल्डिंग जो है वो मिल जाए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस जंप स्पेल ड्रॉप हो चुका है। क्लीनअप थोड़ा मेरे को मेसी लगा क्लीनअप, क्योंकि और पहले वार्डन को यहाँ पे ड्रॉप करना चाहिए था। बट सुपर विचेस यार, सुपर विचेस बहुत ही क्रेजी स्ट्रॉन्ग है, बट पता है मैं एक ही डर से उन्हें यूज़ नहीं करता। मेरे को सबसे ज़्यादा डर क्या लगता है पता है, 40 हाउसिंग स्पेस अगर खर्च करूं, और अगर सुपर विचेस को कहीं अगर समझ लो डिस्ट्रैक्ट होके बाहर चली गई या फिर और कुछ हो गया, तो भाई पूरा अटैक बर्बाद, मतलब चौपट। तो रिस्की है, बट हाई रिस्क के साथ हाई रिवॉर्ड्स भी आते हैं गाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से यहाँ पे यूज़ की गई ग्रैंड वार्डन एबिलिटी। क्वीन बाहर आ गई थी, विच इज़ अनफॉर्चुनेट। किंग भी बाहर ही वॉल ब्रेक कर रहा है, पता नहीं क्यों। मेरे को पता है एक मोमेंट पे डर लग रहा था कि इसने वार्डन एबिलिटी पहले यूज़ कर ली, अब जब टाउन हॉल का डेथ डैमेज होगा तब क्या होगा भाई, तब यहाँ पे बड़े जो स्केलेटन्स हैं उनकी तो बैंड बज जाएगी। बट बैंड बजने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि और जो बड़े बड़े स्केलेटन्स हैं वो स्पॉन कर लेंगे बाद में जाके। यहाँ पे आप देख सकते हो रॉयल चैंपियन का हेल्थ काफ़ी ज़्यादा डाउन हो रहा था, बट फिर भी एबिलिटी बची थी, तो एबिलिटी यूज़ करके यहाँ पे एक दो शॉट्स और दिए गए एक्सपोज को, और बहुत बहुत आसानी से लास्ट। पहले मेरे को भी लग रहा था कि अटैक थोड़ा फंस सकता है, यहाँ पे इतने सारे डिफेंस हैं, बट अगर मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाऊं गाइस, आप देख सकते हो सुपर विचेस अभी भी 3 सुपर विचेस बचे हुए हैं, जो कि क्रेजी है। 3 बिग बॉयज जो हैं वो सामने से टैंक कर रहे हैं, और एक एक सुपर विचेस का जो हिट पॉइंट है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी ज़्यादा, मतलब कोई मजाक नहीं है यार, काफ़ी ज़्यादा हिट पॉइंट है, तो वो भी काफ़ी टैंकी है। और फाइनली यहाँ पे क्लीन अप करने के लिए एक दो आर्चर्स यहाँ पे यूज़ करे गए, और बहुत ही इजीली इस बेस को क्लियर कर लिया गया, क्योंकि 2 सुपर विचेस बचे रहना मजाक नहीं है यार, जैसे मैंने पहले बताया बहुत ही ज़्यादा टैंकी है।
और बिग बॉयज़ यार, बिग बॉयज़ तो टैंकी भी है और डैमेज भी काफ़ी करते हैं। सो ये दो टैग्स मैं आपको दिखाना चाहता था बेसिकली, और जो भी हमने टॉपिक पर डिस्कस करा, आप लोग मेरे को एक बार कमेंट्स में बताना कि आप लोगों को पूरे मामले में क्या लगता है, मतलब क्या ये बैन और लंबा खिंचेगा या फिर शॉर्ट टाइम बैन होगा या फिर क्या होगा। क्योंकि देखो पबजी इंडिया मार्केट एक बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़र बेस है यहाँ पे, और आपको पता है ये बिज़नेस भी काफ़ी होता है, रॉयल पास और भी बाकी सारे यूसी वगैरह परचेसिंग बहुत ज़्यादा होती है। तो इतना बड़ा मार्केट को चाइना ऐसे जाने नहीं देगा, ज़रूर कोई ना कोई तरीका तो निकाल ही लेगा, देखते हैं आने वाले टाइम पे, हम देखेंगे। और गाइज अभी चिंता की कोई बात नहीं है, देखो जो होना है वो होना है। अगर आप सोचोगे कि भाई कल को क्लैश ऑफ क्लैंस बैन हो जाए या फिर ये हो जाए, तो इस सोच के आपको कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक है गेम्स इन्जॉय करो, नहीं है सोचा जाएगा भाई कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे यार, इससे अच्छा है आप जाके आउटडोर गेम्स भी खेल सकते हो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, बैडमिंटन खेलो। बैडमिंटन आजकल मैं बहुत ज़्यादा खेलता हूँ, आजकल नहीं बहुत दिनों से खेल रहा हूँ। मैं कभी सोच रहा हूँ आपको बैडमिंटन के भी कुछ वीडियोस दिखाऊं जो हम लोग खेलते हैं, हो सके तो कभी पॉसिबल। ऐसा कुछ बहुत बड़ा बॉम्बास्टिंग नहीं है, थोड़ा एक क्लब जैसा हम लोग का वहाँ पे खेलते हैं, बट मैं कोशिश करूँगा कभी आप लोगों के साथ एक आधा वीडियो ज़रूर शेयर करूँ। तब तक गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मज़े मारो, मिलता हूँ, जब तक अच्छे रहें एज ऑलवेज गाइज, जय हिंद, बाय।